एंड आई एम सो हैप्पी कि फर्स्ट टाइम है कि हमारे गणपति जी के लिए जो डेकोरेशन हो रही है बैकग्राउंड सारा वो सारा अभी से तैयार हो गया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहीं से शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे गणपति जी क्या आने की तैयारी सारी हो गई है ऑलमोस्ट। स्वागत के लिए हम लोग एकदम तैयार हैं और आज हम लोग मच बिफोर टाइम एकदम हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। एंड आई एम सो हैप्पी कि फर्स्ट टाइम है कि हमारे गणपति जी के लिए जो डेकोरेशन हो रही है बैकग्राउंड सारा वो सारा अभी से तैयार हो गया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहीं से शुरू करते हैं। अगर आप ये देखोगे तो अभी इधर की सफाइयां सारी हो रही हैं, चल रही हैं, बट हमने ये लटकन्स जो मैं अभी लेके आई थी वो लगा दी है। ये देख लो, लाइट जलाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। लाइट जली नहीं, नहीं कोई बात नहीं। आप ये देख सकते हो कि ये लटकन्स है, ठीक है। ये तो ऐसे ऐसे ही हमने थोड़े से फ्लावर्स वगैरह लगा दिए यहाँ पे बाहर के लिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर। तो जी ये रहा, ये होते हुए अगर हम लोग जाएंगे तो ये रहे हमारा डेकोरेशन पूरा। एंड इट इज सो ब्यूटिफुल, आई रियली होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो यहाँ से चलते हुए देखते जाओ ये कितने सारे लटकन्स है, कितनी सारी। और ये देख लो, ये हमारा गणपति बप्पा का आसन और ये पूरा डेकोरेशन। और अब मैं इसके साथ आपको लाइट्स जला के दिखाती हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे ये लाइट जला दी, ये यहाँ पे हमने फोकस लाइट लगा दी है। एंड दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक आज तक के कितने भी डेकोरेशन हुए ना, उससे सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे ये वाली डेकोरेशन लगी है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। लेकिन आप यहाँ पे भी देखते रहो तो हर तरफ यहाँ पे फूलों का क्या कहते हैं इसको, वोडी कॉल दिस बॉल्स है, फूलों की, और यहाँ पे भी है। तो ये थीम रखा है जो हमारे गणपति बप्पा के जो कलर है वो इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, तो आई एम श्योर वो बहुत उठ के आएंगे। और जब तक वो आएंगे ऑब्वियसली वो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगे। तो हमारी इतनी मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग एकदम पहले से तैयार हो गए हैं। बेबी तुम कुछ कहना चाहते हो पहले तो बताओ ना, कुछ नया मैं तो नहीं हो जा हड़बड़ा जाती हूँ, बताओ ना तुम। मैं सही बता रही हूँ, बताओ। नहीं मैंने बता दिया, थोड़ा सही बता रही हो तुम, थोड़ा बताओ ना। क्या बताओ, इधर ऐसे आके बताओ ना। मैं सही बताता हूँ, अभी आप लोगों को ना ठीक से इसका कलर समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारी लाइट जल रही है, पीछे व्हाइट लाइट है, येलो है, लेकिन आपको शायद जब गणपति शुरू हो जाएंगे तब ठीक से लाइटिंग होगी तो आपको समझ में आएगा। ये पिंक फ्लावर्स हैं, नहीं पीच फ्लावर्स है, पीच फ्लावर्स हैं। और ये गणपति बप्पा मोरे लिखा, लास्ट टाइम हमें बेल का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया इसलिए दो ही बेल्स रखी, लेकिन उसके अलावा बाकी ये जो लाइट्स रखी है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अभी इसमें सिर्फ एक ही चीज मुझे मिसिंग लग रही है और वो है बप्पा, बाकी सब कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, सिर्फ बप्पा के आने की देरी है। और ये इतना जगमगा उठेगा ना द एंटायर प्लेस, लाइक मैं यहाँ तक था, ये एक्चुअली डेकोरेशन भी था, ये यहाँ तक था, लेकिन हमने बाद में जो डिसाइड किया कि हमको छत भी चाहिए, मतलब छत जरूरी लगती है मेरे को, मुझे ऐसा लगता है छत से जो बप्पा है उनका प्रॉपर आसन और प्रॉपर घर दिखता है, वरना ये खाली खाली लगता। आई थिंक ये सिर्फ इतना ही होता ना तो ये मुझे खाली लगता। और ये पूरा एंटायर चीजों का जो श्रेय जाता है वो शालिनी और जीतू को जाता है, एंड दे आर हियर विद मी। अभी हमने काम खत्म किया है, मतलब मैं बैठ के चाय पी रही थी और ये लोग काम खत्म कर रहे थे, ये शाम से लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इन्होंने काम खत्म किया है। ये क्या क्या आइडिया था तुम्हारे दिमाग में, पहले से था ये ऑब्वियस? आई रिमेम्बर कि तुमने बताया था कि बर्ड्स भी लगाएंगे हम लोग, क्योंकि आपको लास्ट टाइम लाइट्स और बेल्स बहुत पसंद आई थी, तो सोचा इस बार भी हम मोर ऑफ लाइट्स, मोर ऑफ अ फ्लावर, लिटिल बिट ऑफ बेल्स, गणपति बाप्पा मोरिया जैसे आपको पसंद है, सोचा इस बार भी सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा करते हैं, पर सेम नहीं है तो बिल्कुल डिफरेंट है, बट विद डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स। यस, लास्ट ईयर भी हमारा जो बप्पा का डेकोरेशन था वो पूरा शालिनी और जीतू ने किया था, और ये अभी तीन चार वर्कर साथ में लगे हुए थे, उन्होंने ये बॉल्स वॉल्स लगाई हैं। मतलब इसको देख के लिटरली दोनों टाइम हमको ये लगा है ना कि ये आपने अपने बप्पा के लिए किया। और इससे प्यारा सेटअप नहीं हो सकता, इस बात का पता आपको इस चीज से लगेगा जब हमारे बप्पा आएंगे और उनका कलर कॉम्बिनेशन इस कलर कॉम्बिनेशन से मैच होगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चिन्ना के पहले गणपति होंगे, चिन्ना पहली बार देख रहे तो बहुत डरी हुई है, ये इस सब पे इतना भौंकी है और सब मतलब किसी के पास गई नहीं है, और ये देखनी है कि क्या हो रहा है। मम्मी जरा बताओगे, जरा ये सब क्या हो रहा है, थोड़ा बताओगे, मतलब पूछती जा रही है शाम से ना इसके सवाल चल रहे हैं कि मुझे बताओ ये क्या हो रहा है। तो अभी जब बप्पा आएंगे, बप्पा से मिलेगी, देन शी विल गेट यूज्ड टू बप्पा कमिंग होम एवरी ईयर, तो इसको भी एक ये सब इस पे हंस भी रहे हैं कि हां तुझे नहीं पता क्या होने वाला है।
देख हम तो एक्सपीरियंस है, हम तो सीनियर है, तुझे नहीं पता। इसको नहीं पता ना, इसके पहले है ना, अभी तो एक साल की भी नहीं हुई ना मेरी बच्ची। पिछले गणपति पे कैंडी प्रेग्नेंट थी? नहीं, उसके बाद हुई। तो जी मैं, अमिता और दीदी निकल गए हैं राशन खरीदने के लिए, क्योंकि यही टाइम है। इनकेस अगर अभी मिल गया, मुझे डाउट है, मुझे लगता है बहुत भीड़ होगी, लेकिन इनकेस अगर मिल गया तो हम लोग अभी भी जितना भी राशन है और जो भी सामान वामान खरीदना वो खरीद लें, क्योंकि यही टाइम है हमारे पास। बड़ा मुश्किल हो जाएगा वरना सुबह। तो जी रात के लुप्त अंधेरे में हम तीनों निकले हैं, एंड आई रियली होप कि मतलब सामान तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भीड़ कितनी होगी। चलिए आइए। कह रही हैं और चाहिए? नहीं मीठा बनेगा भी ना, 2 किलो नहीं ले ही लेते। नहीं दीदी ले लो, मीठा बनेगा भी ना, ले लेते हैं। इसको आप पकड़ो, सही तरह से चीजें लगाना, उबड़ खाबड़ ना हो जाए। दीदी पोहा तो सूजी लेते हैं क्या? सूजी बिल्कुल लेनी है, कहाँ है? सूजी ले लो, सिंगदाना ले लिया मैंने, वो लेना है अपना साबुदाना। ये काबुली चना है क्या? हाँ मूंग दाल ये है ना, काला चना लेना है। वो भूल ही गई है, ट्रॉली भूल गई। वो जैसे जैसे करके हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए, पता नहीं कितनी चीजें खरीद पाते हैं। क्या हो गया? ये नहीं लेना, ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा भीड़ है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन जितना जल्दी खत्म मुझे शॉपिंग उतना अच्छा है। क्या चाहिए? ये मिर्ची ले ली? नहीं एक पैकेट लो भाई, काली मिर्च भी। बड़ा पैकेट लिया छोटा लिया? बड़ा ले लो ना। ये चाहिए? ये कुछ भी चाहिए? और इधर देखो दीदी, देखो ध्यान से देखो प्लीज, लाल मिर्ची ले रही हूँ। धनिया पाउडर दीदी, ये हल्दी, ये लो किचन घी मसाला है। नहीं नहीं मैं लूंगी, ले रही हूँ, देख रही हूँ पनीर मसाला किधर है। ये रहा सांबर मसाला, सांबर मसाला ले लो, सब्जी का मसाला ले लो, किचन किंग मत लो बेशक, ये रहने लो। और लो ना हींग लो, ये रहा ये वाली लेना। इधर वो पनीर मसाला नहीं है ना? भैया इधर पनीर मसाला है क्या? शाही पनीर मसाला नहीं है? चाट मसाला लो एक। नहीं दीदी है, पूरा है डब्बा। ये एक ले ले, बादाम ले ले वाला, ये ले ले एक, ये कढ़ाई ले ले। क्या चीज? रोटी के लिए पैन? पैन पैन ले लो, वहां से उठाओ, वो लेना है। ये वाला लेना है? क्या बोल रही हो, कौन सा लेना है? ये लेना है, ये अच्छा है दीदी, ले लो। क्या है? वो ले लो, हाँ रोटी के लिए रहा ना, ये रहा ना दीदी रोटी का। हाँ ये ले लो, चलो वो लिया ना अभी, बोला तो। हाँ क्या बोल रही हो? डोसा तो ये दोनों चाहिए क्या? हाँ। ले लो तो ना, एक काम करो ये वाले लो, इसमें इसमें पानी देना है आप सबको। कौन सा वाला ग्लास है ये? ये लो, ये निकाल निकाल, ये लो। तो जी फाइनली हम लोगों ने सामान ले लिया और अब चले हम लोग घर की ओर। बहुत टाइम लग गया, बस 10 बज गए ऑलरेडी, और इतना टाइम लगा। सामान सारा आ गया घर पे और हम भी आ गए हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में उठ के मुझे और बहुत काम खत्म करने हैं। अभी पूजा का सारा सामान लेना है। तो आपको मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में, और टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। और कल कुछ खास होने वाला है, मिस मत करिएगा ब्लॉग।